हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वाज लिटिल बिजी, मैं थोड़ी बिजी हो गई थी इसलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं आपके सामने एक खट्टी मीठी कच्चे आम से बने कलौंजी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी होता है खाने में। तो बिना किसी देर के चलते वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे ये रेसिपी बन के तैयार हो जाता है। तो कच्चे आम के खट्टी मीठी कलौंजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम कच्चे आम ले लिए हैं। इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इसको धो के मैंने रेडी किया है। और इसको तड़का लगाने के लिए एक मैंने मसाला रेडी किया है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें मैंने 5 तरह के मसाले ऐड किए हैं, जिसमें कि थोड़ा सा मेथी, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा अजवाइन। इन पांचों को मिक्स करके मैंने एक मसाला तैयार किया है। और एक ये सूखी लाल मिर्च, इसको हमने तड़के के लिए रखा है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची भी ऐड करेंगे। आप कितना तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मिठास के लिए हमने शुगर लिया है, मतलब चीनी लिया है, ठीक है। तो बिना किसी देर के चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको बनाने की प्रोसेस देखते हैं कि कैसे ये जल्दी से बनके रेडी होता है। तो सबसे पहले मैंने एक पैन रखा है गैस के ऊपर, अब गैस को ऑन कर लेते हैं। पैन गर्म होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब जो हमने मसाला रेडी किया था और लाल मिर्च लिए थे, सूखी लाल मिर्च, इसको मैं डाल दूंगी। इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो फ्रेग्रेंस है वो ऑयल में मिक्स नहीं हो जाता, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लग गई है मसालों में से, इसका मतलब मसाला हमारा फ्राई होने लग गया है। बस 1 से 2 सेकंड और इसको फ्राई करेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इसमें हम ये मैंगो ऐड करेंगे। इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से क्या होगा, जो हमारी ये मैंगो है जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, जल्दी से पक जाएगा। आप देख सकते हैं नमक डालते ही ये कैसे गल गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें लाल मिर्च का जो पाउडर रखा था वो ऐड करेंगे। इस रेसिपी को हमें लो फ्लेम पे ही बनाना है। मिर्ची को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेम स्टेज पे हम शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, जब तक पूरी तरह से अपना शुगर मेल्ट नहीं हो जाता, हमें इसे पकाना है। आप देख सकते हैं हमारा शुगर, हमारी चीनी बिल्कुल अच्छे तरह से मेल्ट हो चुका है और इसका कलर भी इतना अच्छा आ गया है, इसका मतलब ये हमारा कलौंजी बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस स्टेज पे हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमारा ये कलौंजी बनके रेडी हो चुका है। इसे आप फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। इसको आप गरम गरम पराठे के साथ, पूरी के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी लगती है, खट्टी मीठी टैंगी सा कलौंजी बनके हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।